राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे? माँ, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। भीषण ठंड में एक बुजुर्ग दंपत्ति बीते 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, बल्कि धन धान्य घर मकान सब है, परिवार है, बेटा है, बहू है, लेकिन रहना पड़ रहा है सड़क पर। और इनके इस हाल के पीछे उनकी धन संपदा और उनकी बहू है। सब कुछ होने के बाद भी अपने बुजुर्ग सास ससुर को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मामला दमोह शहर का है। यहाँ के SP ऑफिस परिसर में देर शाम एक बुजुर्ग दंपत्ति को जरा सी आग के सहारे बैठा देख लोगों ने जब सवाल किए तो लोगों के होश उड़ गए। ये बुजुर्ग दंपत्ति 75 साल के गोदन सिंह और 70 साल की आशा सिंह हैं। इनका इकलौता बेटा मंजीत है, जिसकी शादी इन्होंने बड़े धूमधाम से की। करोड़ों की जायदाद थी, जिस पर पूरा हक इनके बेटे और बहू का ही है, लेकिन फिर भी इस दंपत्ति को ना रोटी नसीब हो रही है और ना ही रहने के लिए खुद का बनवाया हुआ घर। गलती इस दंपत्ति की सिर्फ इतनी है कि इसने सारा कुछ अपने बहू और बेटे के नाम कर दिया। कलयुगी बहू की नियत ही नहीं बदली, बल्कि संवेदनाएं भी मर गईं। बहू ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की और घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खा रहे इस दंपत्ति ने बहू के आतंक से बचने के लिए दमोह के SP ऑफिस में डेरा डाल लिया, तो शहर के एक समाज सेवी और एडवोकेट मनीष नगायच ने उनकी सुध ली और दमोह SP को एक शिकायत दर्ज कराई। नगायच के मुताबिक SP अपने दफ्तर से निकल गए थे, लिहाजा उनके ऑफिस में शिकायत देने के बाद उनसे बात हुई है और SP ने आश्वासन दिया है कि मजबूर लाचार इस वृद्ध दंपत्ति की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ समाजसेवियों की मदद से इस बुजुर्ग दंपत्ति के रुकने खाने का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन ये पूरा वाकया समाज में आ रही विकृति की बड़ी तस्वीर है और ये सोचने भी मजबूर कर रहा है कि लोगों की संवेदनाएं कैसे मर चुकी हैं। तमाम नियम कानूनों के बाद भी ऐसे वृद्धों को भटकना पड़ रहा है। गोदन सिंह राजपूत, हमारी बहू हमको मारपीट करती है, घर से निकाल दिया है और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती, सामान वगैरह के बाद वगैरह खातदारी वगैरह खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं, हम कहाँ जाएं। क्या नाम बहू का? बहू का रानू राजपूत, ग्राम मंजुआ। और हमारा मारपीट कर रहे और घर का सामान पूरे फेंक दाए, फूल तोड़ डाले, हमारे तीन जना बाहर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, गए हैं हमारा लड़का भी, हमारा तीन जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम से मकान है और हम बहू को नहीं रखना चाहते। बहुत परेशान है, 10 साल हो गए चार, बहुत क्या मामला है? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला दमोह जिले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 70 वर्षीय और 75 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा होकर के घूम रहे हैं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित
आशा राजपूत और श्री गोधन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। क्योंकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके। उसके बावजूद ही बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सके। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की। भेंट में चूँकि हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए थे, इस कारण से फ़ोन पर चर्चा हुई। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूँकि दो दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है, अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आज विवश हैं कि हम उस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें, ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर परिस्थितियां इनके साथ में हो चुकी है। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।